हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने डिग्री कर रखी है, ग्रेजुएशन है आपके पास, तो आपके लिए एक बेहतर एक ऑफिसर की जॉब आ चुकी है। तो यदि आप जाना चाहते हैं पूरी अपडेट को, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज एक या दो वीडियो जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो दोस्तों, एक नई भर्ती निकली है, यहाँ पे यूपीएससी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपको न्यू अपडेट में आने पर यूपीएससी आईएएस आईएफएस ऑनलाइन फॉर्म 2019 इस लिंक पर क्लिक करना है। तो इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप हमारे ऐप में आ जाओगे। जैसे ही आप हमारे ऐप में आओगे, आपको न्यू अपडेट के अंदर या फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म के अंदर ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है kttjobnews.com वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए यूपीएससी आईएएस आईएफएस ऑनलाइन फॉर्म 2019 20 फरवरी की अपडेट है दोस्तों ये। तो यहाँ पे मैं आपको सभी बातें हिंदी में बताता हूँ, ठीक है, ताकि हर कैंडिडेट को सिंपल भाषा में समझ में आ जाए और प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम, हिंदी में ही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने IAS और IFS के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार यदि योग्यता रखता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़कर यह फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे पद का नाम क्या है, IAS और IFS, इन दो पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं, IAS और IFS। कुल पद कितने हैं, 986 पद है दोस्तों, 1000 के आसपास ये पद है। और दोस्तों खास बात यह है कि महिला और पुरुष कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, मैन वुमेन, ठीक है, दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है एज की, तो एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल से लेकर 32 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। और जो एससी एसटी ओबीसी है उनको आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। और जो छूट है आपकी, सॉरी जो एज आपकी, वो 1 अगस्त 2018 इस डेट से काउंट की जाएगी, ठीक है। अब बात आती है योग्यता की, तो दोस्तों यहाँ पे दो पोस्ट है, एक तो आईएएस के लिए है और एक है आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आईएएस की के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, इन्होंने सब्जेक्ट दे रखे हैं स्पेशल एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, ये सब्जेक्ट हो आपके पास, या बॉटनी हो या केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, स्टैटिक्स हो या फिर एग्रीकल्चर हो, इनमें से यदि आपके पास बैचलर डिग्री में कोई सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाला। आईएएस के लिए सिंपल बीए भी वैलिड है, बैचलर डिग्री आपकी वैलिड रहेगी, ठीक है। उसके बाद में फार्म की फीस कितनी लगेगी, तो जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये का चलाना है दोस्तों। यहाँ पे एससी कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल की यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। और जो फीस भरनी है जनरल और ओबीसी मेल को, उन्होंने डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ये फीस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जॉब लोकेशन कहाँ पर रहेगी, पूरे भारत में कहीं पर भी आपको नौकरी करनी पड़ सकती है दोस्तों, ठीक है। तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा दोस्तों, फॉर्म आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन भरना है और अप्लाई करने का लिंक मैंने नीचे भी यहां पे दे दिया है, वहां से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों, 19 फरवरी से यह फॉर्म ऑनलाइन भरना शुरू हो चुका है, 18 मार्च तक आप यह फॉर्म भर सकते हैं। खास बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि परीक्षा तिथि इन्होंने 2 जून 2019 पहले ही डिसाइड यहाँ पे कर दी है, और जो एडमिट कार्ड है आपके परीक्षा के वो मई 2019 में आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों 18 मार्च से पहले पहले ये फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अब दोस्तों यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको फीस भरनी है तो यहाँ पर क्लिक करके आप फीस भर सकते हैं। यदि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यदि आप ऑफिशियल साइट पर विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऑफिशियल साइट पर भी जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस एक बड़ी अपडेट आपके साथ यही शेयर करनी थी कि ग्रेजुएशन बेस्ड एक बड़ी नौकरी आ चुकी है, जो कि एक ऑफिसर की नौकरी है दोस्तों। महिला और पुरुष कोई भी फॉर्म को भर सकता है। तो दोस्तों बस यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप हमारे ऐप में आके इस पोस्ट को देख सकते हैं। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।